हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लासेस में असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, पुट रिंग अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में हम लोग पढ़े थे है ना। यानी कि आप जो कंपेरिजन ऑफ नंबर एंड ऑर्डरिंग ऑफ नंबर के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब जो है लेसन फोर में जो है हमें पढ़ना है इवन एंड ओड नंबर, यानी कि सम और विषम संख्या के बारे में, किसके बारे में, संख्याओं है ना। इवन नंबर मीन्स होता है सम संख्या एंड ओड नंबर मीन्स होता है विषम संख्या। क्या होता है, इवन नंबर मीन्स सम संख्या एंड ओड नंबर मीन्स विषम संख्या। तो कहता है कि इवन नंबर सच नंबर विच कैन बी फुल्ली ग्रुप इनटू पेयर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स। वैसे संख्याएं जो क्या रहती है, एक ग्रुप में जोड़े के रूप में रह सकते हैं है ना। यानी कि पूरा जो ग्रुप होगा वह जोड़े के, पेयर्स मीन्स क्या होता है, जोड़े के रूप में रह सकते हैं, उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। किस क्या कहते हैं, इवन नंबर। यानी सब्जेक्ट एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा आपका 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, यानी कि आप जो है वह जोड़े के रूप में आप जो भी नंबर होगा, जो भी डिजिट होगा वह इवेन नंबर होगा। क्या होगा, इवेन नंबर। किस रूप में होना चाहिए, तो पेयर्स के रूप में। और जितने ग्रुप, ग्रुप मीन्स क्या, समूह, यानी कि उस समूह में जो भी पेयर्स के रूप में होंगे वो ऐसे नंबर आपका इवेन नंबर होगा। क्या होगा, इवेन नंबर होगा। अब यहीं पर हम लोग ने सच नंबर विच कैन नॉट बी, केवल कर दें कैन नॉट बी, चलिए आप अभी हम लोग इसके बारे में, तो 0, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 20 ये जितने सारे हैं आपका वो इवेन नंबर है। यानी इसे कह सकते हैं कि वैसे संख्या जो 2 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइजेबल हो, क्या हो, 2 से डिवाइजेबल हो, उसे हम लोग इवेन नंबर कह सकते हैं, यानी कि सम संख्या कह सकते हैं। और इसका होगा आसान शब्दों में समझने के लिए कि वैसे नंबर जो 2 से डिवाइजेबल हो वह क्या होगा, वह आपका सम संख्या होगा। क्या होगा, सम संख्या। तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 18 होगा एंड 20 होगा। तो ये जितने सारे जो नंबर है ये नंबर क्या है, आपका इवेन नंबर है। क्या है, इवेन नंबर है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ओड नंबर के बारे में, हम लोग को ओड नंबर के बारे में पढ़ना है। तो ओड नंबर सच नंबर विच कैन नॉट बी फुल्ली ग्रुप इन टू पेयर्स आर कॉल्ड ओड नंबर, आर कॉल्ड ओड नंबर्स। यानी वैसे नंबर जो क्या हो, समूह में जोड़े के रूप में ना होते हो, उसे हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। यानी कि अब इसे हम लोग आसान भाषाओं में कह सकते हैं कि वैसे नंबर जो 2 से डिवाइजेबल ना हो वह क्या होते हैं, वे ओड नंबर होते हैं है ना। क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं। ये सब जितने सारे हैं आपका, ये क्या है, ये सभी जो डिजिट है और ये जो नंबर है ये क्या है, ये सब जितने सारे हैं ये ओड नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं, ओड नंबर हैं। तो ओड नंबर को हम लोग आसान भाषाओं में क्या कर सकते हैं कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइजेबल ना हो उसे हम लोग ओड नंबर कहते हैं, और इन्हें इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से डिवाइजेबल हो, यानी वैसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं, और ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइजेबल ना हो उसे हम लोग ओड नंबर कहते हैं। तो अब हम लोग अपने लेसन चैप्टर की ओर चलते हैं। तो आपका का जो क्वेश्चन है जो यहाँ पर पिक्चर के रूप में दिया हुआ है ना, फर्स्ट जो है कहता है रिंग द ऑब्जेक्ट इन पेयर टू फाइंड वेदर दे आर इवन और ओड, देन काउंट एंड राइट द नंबर इन द करेक्ट कॉलम वन हैज। तो ये जो है देखिए, वन इस पिक्चर में आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है,
तो सेवन जो है वो फेयर्स के रूप में नहीं है, जोड़ा है नहीं है, तो ये क्या होगा आपका ओड नंबर होगा। यानी कि आपको ओड नंबर और इवेन नंबर का कॉलम दिया हुआ है, इसमें आपको ओड नंबर और इवेन नंबर में आपको जो भी डिजिट आए या जो भी नंबर आए उसे काउंट कर आपको इवेन और ओड नंबर में राइट कर देना है। तो नेक्स्ट है 1 2 3 4, तो 4 क्या है आपका जोड़ा है, यानी कि यह क्या हो सकता है आपका इवेन नंबर रहेगा, तो हम लोग 4 जो है इवेन नंबर में राइट कर देंगे। उसी प्रकार आपका जितने सारे बुक में पिक्चर है उन पिक्चरों को काउंट करके इवेन एंड ओड नंबर में इसे क्या कर सकते हैं आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब हम लोग का इन सर्कल द ओड नंबर्स है ना, आपको इन सर्कल द ओड नंबर्स के करना है, यानी कि जो ओड नंबर है उस ओड नंबर को हमें क्या करना है गोल कर देना है, क्या कर देना है गोल। तो इन सर्कल द ओड नंबर्स इन ईच रोज, तो पूरा हमने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं किया है, तो 11, 26, 33, 48, 52 and 91। यानी कि जो भी इसमें जो भी आपका ओड नंबर है वह उसे हमको क्या करना है इन सर्कल कर देना है, यानी इसे गोल कर देना है। तो देखिए 11, 26, 33, 48, 52 and 91, तो मैंने बताया था कि ओड नंबर किसे कहते हैं जो 2 से डिवाइजेबल ना हो, है ना, जो क्या हो 2 से डिवाइजेबल ना हो और क्या हो वह जो है पेयर्स के रूप में नहीं होता है उसे ओड नंबर कहते हैं। तो ओड नंबर में क्या सम संख्या यानी 2 से, तो देख रहे 11 जो 2 से डिवाइजेबल है, 2 5 10 2 6 12 नहीं है, तो क्या होगा ये ओड नंबर होगा, तो ये इंसान का लिस्ट होगा। 26 है जो इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा, 33 जो है वो क्या है वह 2 से डिवाइजेबल नहीं है यानी पेयर्स के रूप में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओड नंबर हो जाएगा। 42, 48 है जो क्या है आपका इवन नंबर होगा, 52 जो है वो आपका इवन नंबर होगा, बट वाई लेकिन क्यों, क्योंकि ये जो वर्ड है वह क्या है वे इवन नंबर है इसलिए ये ओड नंबर नहीं होंगे, और 91 जो है वो ओड नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइजेबल नहीं है और ये पेयर्स के रूप में नहीं है। तो इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चंस है उसको सब को चूज कर लेना है और उसको इंसर्ट कर देना है। नेक्स्ट में एक और एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं, 7, 3, 22, 65, 50 and 83। अब इसमें आपको खुद चूज करना है कि वो नंबर कौन कौन से हैं, तो कौन होना चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए, 7 गुड, 2 3 गुड, 22 होगा नो, 65 यस, 50 नो, 83 यस, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं इवेन नंबर एंड ओड नंबर को इनसर्कल कर सकते हैं, यानी कि आप इसे बना सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना है वह क्या है इवेन नंबर, इनसर्कल द इवेन नंबर। आप अपने बुक में आपके पास बुक अवेलेबल है, बुक में देख रहे होंगे 22, 33, 8, 47, 16 and 94। अब इसमें जो आपका इवेंट नंबर है वो कौन होना चाहिए जो 2 से डिवाइजेबल हो, यानी कि पेयर्स के रूप में हो, यानी कि जोड़े के रूप में होने चाहिए, वैसे नंबरों को हम लोग इवेंट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इवेंट नंबर किसे कहते हैं जो 2 से क्या हो डिवाइजेबल हो, डिवाइजेबल मीन्स विभाजित हो, विभाजित मीन्स 2 से कट जाए, है ना, सीधे आसान शब्दों में इसे कहें कि 2 से कट जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग इवन नंबर कहते हैं। तो 10, 20 जो है 2 से डिवाइजेबल होगा, हाँ होगा यस, 2 10 20, 33 होगा नहीं होगा, 8 होगा यस 8 होगा, 2 4 8, 47 होगा नो, 12 है ना नहीं है, 16 होगा तो यस 2 8 16 और 94 होगा तो
ये क्या है सारे, ये इवन नंबर्स हैं। कौन से हैं? इवन नंबर्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग अब अगले टॉपिक्स में। तो आगे आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना है ना, राइट द नेक्स्ट फाइव इवन नंबर्स। नेक्स्ट है आपका 9, 14, 17, 2, 63 एंड लास्ट है आपका 38। तो इसमें आपको चूज कर बताना होगा कि कौन सा इवन नंबर है। तो कौन सा है? 14 गुड, 2 गुड, 38 गुड, है ना। ये क्या है? ये सब सारे इवेंट नंबर्स हैं और इवेंट नंबर्स को हमें इंसर्कल करना है। वही आपका क्या होगा? एक्यूरेट आंसर होगा। मैं आशा कर रहा हूं, करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में कुछ जो है हमें नंबर्स दिए हुए हैं और हमें वो एक पैटर्न में सब क्वेश्चन है और उसके पैटर्न में क्या है, क्वेश्चंस अधूरे हैं, उसे हम लोग हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन है राइट द नेक्स्ट फाइव इवन नंबर्स। राइट द नेक्स्ट फाइव इवन नंबर्स। देख रहे हैं आप लोग बुक में, आपका बुक में होगा 62, 64। अब हमें जो है वो क्या करना है, फाइव इवेंट नंबर राइट करनी है। तो राइट करेंगे तो किस प्रकार से हमें राइट करेंगे? तो 66 होगा, 68 गुड, नेक्स्ट क्या होगा, 70 गुड, नेक्स्ट 72, नेक्स्ट 74 गुड। ये आपका पैटर्न जो हो गया कंप्लीट हो गया और ये आपका आंसर होगा। उसी प्रकार से आपका थ्री जो है इसमें क्वेश्चन से आप उसे कंप्लीट कर लेंगे। अब जो है हमें नेक्स्ट जो है हमें ओड नंबर है ना, नेक्स्ट क्या करना है, ओड नंबर के बारे में पढ़नी है। यानी कि इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन होगा और इसमें आपको ओड नंबर राइट करनी है। यानी कि ओड नंबर के माध्यम से आपको ये जो पैटर्न होगा उसे कंप्लीट करना होगा। तो जैसे 13, 15 तो क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा ओड नंबर 13, 15। तो 15 के आफ्टर इवेंट नंबर ओड नंबर 17 गुड, 19 गुड, नेक्स्ट 21, नेक्स्ट 23, नेक्स्ट 25। ये हो गया क्या आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इवन नंबर और ओड नंबर को जो हमें पैटर्न को कंप्लीट करना है उस प्रकार आप कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी चीज कि आप इवन नंबर और ओड नंबर के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे और कंफ्यूज होगा तो आपको ओड नंबर्स और इवन नंबर्स का जो भी सारा एग्जाम्पल है और ये जो हम मैंने आपको बताया है उसे ध्यान पूर्वक है ना इसे आप नेक्स्ट कर देख सकते हैं इसे और आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज हम लोग इवन नंबर एंड ओड नंबर, इवन नंबर किसे कहते हैं एंड ओड नंबर किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इवेंट नंबर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ा। ओड नंबर कौन कौन से होते हैं वो मैं हम लोगों ने पढ़ा। इवेंट नंबर को किस प्रकार से हमें कंप्लीट करनी है पैटर्न को वो हम लोगों ने पढ़ा और ओड नंबर को किस प्रकार से पैटर्न को कंप्लीट करनी है वो हम लोगों ने पढ़ा। अब जो है हम लोग इवेंट नंबर और ओड नंबर के ही बारे में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, बट उसमें कुछ नियम से रूल्स है, उन रूल्स के माध्यम से ही हम लोगों को ओड नंबर एंड इवेंट नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों को मेरा बहुत सारा प्यार, धन्यवाद।